स्वागत है मेरे चैनल थिंक टेक्निकल में। मेरा नाम है प्रवीण। आज अनबॉक्सिंग करेंगे स्काईविक सिग्नी प्रो 2 कैमरा लेंस को। लेंस में क्या क्या फीचर्स हैं देखते हैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। इसमें मिलने वाला है 2-in-1 सेट। अगर प्राइस की बात करें ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम, ये मिलेगा आपको 1999 में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मिलेंगे आपको दो लेंस, एक छोटे वाला लेंस होगा, ये माइक्रो लेंस है 15x, ये काफ़ी अच्छा लेंस है छोटे ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के लिए। आपके लो क्वालिटी के फ़ोन में भी काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आएगी। अगर आप दूसरे लेंस की बात करें, ये होगा 0.45 वाइड एंगल लेंस, ये लार्ज एरिया को कवर करने के लिए है। करते हैं अनबॉक्सिंग, क्या क्या फीचर्स डिटेल हैं इसमें देखते हैं बॉक्स में। ओपन करते हैं बॉक्स और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। पैकिंग की बात करें तो पैकिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हुई है। बॉक्स के बाहर रैपिंग की हुई है पॉलीथीन से, बहुत ही अच्छी रैपिंग की हुई है। बॉक्स भी काफ़ी हार्ड है लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। बॉक्स के बाहर मिलेगी आपको स्काईविक की ब्रांडिंग और बैक साइड में मिलेगी कुछ प्रोडक्ट की डिटेल। करते हैं बॉक्स को ओपन। बॉक्स ओपन करने के बाद हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केस देखने को मिल जाएगा, काफ़ी हार्ड केस, ये लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केस है। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलने वाला है। बॉक्स के अंदर पैम्पलेट्स और पेपर देखने को मिल जाएंगे, ये कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स, फीचर्स क्या क्या इसमें है, इसको यूज़ करने के तरीके बताए गए हैं। के साथ दिया गया है 18 मंथ का वारंटी कार्ड और मिलेगा आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल कार्ड जिसमें बताया गया है प्रोडक्ट को यूज़ करने के बारे में, कैसे फिट करना है, क्या डिटेल्स है। फिलहाल इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं केस में आपको क्या क्या मिलने वाला है इसके अंदर। केस काफ़ी प्रीमियम और हार्ड क्वालिटी में मिलने वाला है, काफ़ी बेहतर क्वालिटी है। बॉक्स के अंदर आपको मिलेंगे दो लेंस एक दूसरे के साथ जॉइंट। छोटे वाला लेंस माइक्रो लेंस होगा और दूसरा होगा वाइड एंगल लेंस। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। एक साइड में मिलेगी आपको क्लिप जो आपके स्मार्टफोन को लेंस के साथ कनेक्ट करेगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की क्लिप है आपके स्मार्टफोन को लेंस के साथ कनेक्ट करके रखने के। दूसरी साइड आपको मिलेगी एक हुक और माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेंस को क्लीन करने के लिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का क्लॉथ है ये लेंस को क्लीन करने के लिए। लेंस को क्लिप के साथ अटैच करने के लिए सिंपली आपको लेंस को क्लिप पर रोटेट करना है और इसके साथ ये अटैच हो जाएगी। देखने में लेंस की क्वालिटी काफ़ी बेहतर लग रही है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लेंस है, क्लिप भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है आपके स्मार्टफोन को कनेक्ट करने के लिए। लेंस को स्मार्टफोन के साथ अटैच करने के लिए आपको सिंपली क्लिप को प्रेस करना है और कुछ इस तरीके से अपने स्मार्टफोन पर क्लिप को लगा देना है। अगर लुक की बात करें तो देखने में काफ़ी बेहतर क्वालिटी लग रही है स्मार्टफोन पर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लेंस है ये लेंस। लो क्वालिटी के मोबाइल में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता है, जो नॉर्मल 6-7 हज़ार की रेंज में स्मार्टफोन होते हैं। 15x मिलेगा आपको छोटे वाला लेंस जो छोटी चीज़ों को क्लिक करने के लिए होता है, और दूसरा मिलेगा आपको 0.45 वाइड एंगल लेंस जो लार्ज एरिया को कवर करने के लिए होता है, बहुत ही अच्छा लेंस है। अगर लार्ज एरिया को कवर करना हो तो छोटे वाले लेंस को बड़े लेंस के साथ कनेक्ट करना पड़ता है कुछ इस तरीके से। अगर छोटे वाले माइक्रो लेंस से आप दूर का फोटो लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ब्लर आएगा, इसके लिए आपको पास जाना पड़ेगा छोटे लेंस को लेकर। अगर दूर का लेना चाहें तो बड़े वाले लेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा छोटे वाले से। ये माइक्रो लेंस से ली हुई पिक्चर्स हैं, काफ़ी बेहतर क्वालिटी लग रही है। अगर दूसरे वाले लेंस की बात करें तो कुछ नॉर्मल पिक्चर इस तरीके से होंगी और वाइड एंगल से ली हुई पिक्चर्स इस तरीके से होंगी, काफ़ी ज़्यादा एरिया वाइड एंगल में आ रहा है, काफ़ी बेहतर क्वालिटी का लेंस है। लो क्वालिटी के फ़ोन से भी मैंने कुछ पिक्चर्स ली हुई हैं जो आपको नज़र आ रही है पिक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ मैं। धन्यवाद दोस्तों।